नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप एक बार फिर से देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ स्वास्तिक बजाज में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और वीडियो के थंबनेल देख के जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि आज हम लोग करने वाले पल्सर P150 का सिटी माइलेज टेस्ट हाफ लीटर में, और एक हाफ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल है जिसे मैंने रखा है रिटर्न आने के लिए। और बाइक के फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल है, तो जहाँ इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म होगा वहाँ पर हम माइलेज टेस्ट के लिए इसमें हाफ लीटर पेट्रोल डालेंगे। तो आइए चलते हैं इस माइलेज टेस्ट पर। तो फाइनली लगता है दोस्तों, इस बाइक के फ्यूल टैंक में जितना पेट्रोल था लगता है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, अब ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आइए इसमें पेट्रोल डालते हैं माइलेज टेस्ट के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही दो बॉटल है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हाफ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये है हाफ लीटर पेट्रोल जिसे हम करेंगे सिटी माइलेज टेस्ट। और पेट्रोल डालने से पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपने देखा, अभी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आइए इसमें ये हाफ लीटर पेट्रोल था माइलेज टेस्ट के लिए। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने पेट्रोल डाल दिया है, और अब मैं आपको ये बाइक एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, बाइक स्टार्ट हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं इस बाइक को लेके दोस्तों सिटी माइलेज टेस्ट पर। और ट्रैफिक में स्पीड देखने की ज़रूरत नहीं है, मगर जहाँ ट्रैफिक नहीं रहेगा वहाँ पर मैं इस बाइक का स्पीड 55-60 किलोमीटर पर आवर रखूँगा। तो आइए चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। और माइलेज टेस्ट पर निकलने से पहले दोस्तों इस बाइक के ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर पर भी एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाइक 3 किलोमीटर चला है, ये बिल्कुल न्यू बाइक है। और इसके ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों को मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आइए चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। Happy.
तो फाइनली लगता है दोस्तों इसमें जो हमने हाफ लीटर पेट्रोल डाला था वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो आपने देखा बाइक स्टार्ट हो गया था मगर ये फिर से बंद हो चुका है, और एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ। तो आपने देखा इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, और इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, इसके ऑडोमीटर में अभी रीडिंग है 28, जब हम निकले थे तो रीडिंग था 3, और इसके ट्रिप 1 में रीडिंग है 25 और ट्रिप 2 में रीडिंग है 25। मतलब कि आज हमें हाफ लीटर में 25 KMPL का माइलेज मिला, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है। अगर आप इसे इंटू 2 करते हैं तो 1 लीटर में 50 KMPL का माइलेज होता है, जो देखा जाए तो पल्सर पी 150 में बहुत ही अच्छा माइलेज है। और ये बाइक बिल्कुल न्यू बाइक है, और हो सकता है इस बाइक के सर्विस के बाद इस बाइक में माइलेज और भी बढ़ जाए। और आपको शायद ना मालूम हो कि इस बाइक के वेट को कंपनी ने करीब 10 kg तक वेट घटा दिया है, और इस वजह से भी हो सकता है इस बाइक में बहुत ही अच्छा माइलेज मिल रहा है। तो आइए इसमें पेट्रोल डालते हैं रिटर्न जाने के लिए, और कहीं चलकर मैं आपको अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही बॉटल है जिसे मैंने रखा था रिटर्न आने के लिए, और आप देख पा रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। और अब इस पेट्रोल को मैं डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। पेट्रोल दोस्तों मैंने डाल दिया है, और अब मैं इस बाइक को एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके एक नए लोकेशन में, और आज आपने देखा है पल्सर P150 का सिटी माइलेज टेस्ट, जिसे हमने अपने जमशेदपुर सिटी के अंदर हाफ लीटर में माइलेज टेस्ट किया है। और वीडियो की शुरुआत में ही आपने देखा था इस बाइक के फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल था, जहाँ इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ वहाँ पर हमने इसमें हाफ लीटर पेट्रोल डाला, और इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 3 और ट्रिप 1 और 2 को हमने 0.0 पे कर दिया था। सिटी में माइलेज टेस्ट करते वक्त ट्रैफिक में स्पीड देखने की जरूरत नहीं है, मगर जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ मैंने इस बाइक का स्पीड 50-55 किलोमीटर पर आवर रखा था, और जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ वहाँ पे आपने देखा कि इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 28 और ट्रिप में रीडिंग था 25। तो अगर आप इसे इनटू 2 करते हैं तो आज हमें पहले दिन इस बाइक में 50 KMPL का माइलेज मिला है, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। और इस बाइक को जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं आपके लिए इस बाइक को लेकर आया स्वास्तिक बजाज से, शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि इस बाइक के हो सकता है सेकंड सर्विस के बाद इस बाइक में और भी ज़्यादा माइलेज बढ़ जाए। तो अगर आप जमशेदपुर से हैं तो हो सकता है इस बाइक में आपको आफ्टर सेकंड सर्विस बहुत ही आराम से 50+ का माइलेज मिलेगा, और अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हो सकता है वहाँ पर आपको इस बाइक में 45 से 50 के बीच में माइलेज देखने को मिले। और जैसा कि आपने देखा आज मैंने इस बाइक को काफ़ी राइड किया आपके लिए, तो आइए आपके साथ अपना एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो आइए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक के इंजन में आपको 149.8 cc का इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 14.5 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 13.5 Nm का मिलता है, जिससे आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा पिकअप मिल पाता है, और साथ ही आपको बाइक को राइड करते समय आपको इस बाइक का इंजन काफ़ी स्मूथ महसूस होता है। और बाइक के ट्रांसमिशन में आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप इस बाइक को राइड कर रहे होते हैं तो आपको इस बाइक का क्लच और गियर लीवर काफ़ी सॉफ्ट महसूस होगा। और इस बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको 31 mm डाया का टेलीस्कोपिक फोर्क, और रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और आज मैंने इसे सिटी में राइड किया है तो मुझे इस बाइक का सस्पेंशन फ्रंट और रियर दोनों ही वाकई में बहुत ही बेहतर लगा। और बाइक के ब्रेक के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ इस बाइक में इसके फ्रंट में 260 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जो वाकई में काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। तो अगर आप इसका सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट लेंगे तो उसके रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला 2-piece में स्टेप अप सीट मिलता है, जो वाकई में बहुत ही कम्फर्टेबल है, और मुझे इस बाइक का सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी बेहतर लगता है। और मेरा अंदाज़ा है कि इस बाइक में आप बैठ के बिना रुके काफ़ी लंबी दूरी तक इस बाइक को राइड भी कर पाएंगे। और अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं और अपने लिए एक सिंगल सीट वाला बाइक लेना चाहते हैं तो आप इस बाइक का सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट ले लीजिएगा, उसमें आपको सिंगल पीस में काफ़ी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। और साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस बाइक का सीट हाइट 790 mm है, तो अगर आपका हाइट 5 feet भी है तब भी आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस बाइक के हैंडल बार में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। और हैंडल बार के वाइब्रेशन की बात करें तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं आज मैंने इस बाइक को 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं राइड किया है,
इसलिए मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस बाइक के हेडलैम्प में आपको बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED DRL और टेल लैम्प में आपको काफ़ी स्पोर्टी से दिखने वाला LED टेल लैम्प मिल जाता है और डिजिटल एनालॉग कंसोल मिल जाता है। और आपकी सेफ्टी के लिए इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी मिल जाता है। तो जिस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको ये बाइक मिलता है और जितना आपको इसमें माइलेज मिलता है और जिस हिसाब से इस बाइक के लुक को बनाया गया, जो देखने में आपको काफ़ी स्पोर्टी सा नज़र आ रहा है, तो ये एक 150cc में एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है। तो अगर आप इस बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर इसे परचेज़ करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आपको आना होगा स्वास्तिक बजाज में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस बाइक का एक डिटेल रिव्यू वीडियो और एक हाईवे माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।